बर्नवाल सेवा समिति के अध्यक्ष लखन बर्नवाल के द्वारा शहर के बजरंग चौक पर अपनी जमीन दान कर सार्वजनिक हनुमान मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर मंगलवार की शाम को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। इस दौरान स्थानीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा, दीपक शर्मा, विजय रजक, सुबोध कुमार बनवाल, प्रदीप गौप, राजेंद्र लाल बनवाल, इंद्रजीत लाल, सुरेश बनवाल, कुंदन कुमार, आशीष कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। स्थापित करके बजरंग बली को स्थापित करें। मौके पर विधायक श्री सोनू ने लखनलाल बनवाल एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता बनवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गर्व की बात है कि वर्षों से इस चौक पर हनुमान मंदिर की कमी थी जो अब पूरा होने जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखन बनवाल ने कहा कि जब वे बजरंग चौक आए तो स्थानीय अखाड़ा समिति के आग्रह पर अपने परिसर में सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही अपने स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में मंदिर का निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। माताएं बहने मेरे साथ आए हुए तमाम लोग, खास करके लेखनी आज लखनदिया का योगदान, इसलिए लखनदिया का नाम। वास्तव में बजरंग चौक में भगवान हनुमान की मूर्ति ना होना ये भी अजीब सी बात थी। नामकरण पहले हो गया और हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर का निर्माण आज हो जाएगा, ये बड़ा ही उपयुक्त काम होगा। लखन भैया ने अपने माता पिता के नाम पर वास्तव में इस मंदिर को समर्पित करने का जो प्रण किया है या निश्चय किया है, मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूँ और साथ में उनकी इस भावना की सराहना करता हूँ कि जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत सुबह शाम के आरती पूजन और तमाम संस्कारों को करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप किसी जीवित व्यक्ति के जीवन के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से मंदिर मेरे भी घर में है और हम लोगों ने भी एक पंडित जी को रख छोड़ा है जिनका सुबह शाम पूजा आरती करने का काम है, और अगर वो नहीं हो, कभी पंडित जी के यहाँ छुटका हो जाए तो मेरी धर्मपत्नी उस काम को निभाती है, लेकिन ये संभव नहीं है कि मंदिर में आरती और पूजा से समय ना हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और लखन भैया जो बात बोले, मैं चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुल और धर्म जन्म से तय होते हैं। आप किस कुल में जन्म ले रहे हैं ये ईश्वर की मर्जी है, और वह कुल किस धर्म को मानता है यह भी ईश्वर की मर्जी है। और श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सटीक कहा है कि स्वधर्म में मृत्यु का वरण करना ही श्रेष्ठ कर है। तो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो धर्म उसके जन्म के साथ उसके मृत्यु तक है, इसलिए बारे कोई संदेह या अविश्वास का मसला नहीं है। इस रामनवमी के पावन मौके पर, इस चैती दुर्गा के पावन मौके पर इस मंदिर की आधारशिला रखकर मुझको बहुत खुशी हुई, और मेरा ये उम्मीद रहेगा कि जिस दिन इस मंदिर का उद्घाटन या लोकार्पण होगा उस दिन भी भगवान हनुमान की कृपा से मुझको यह रहने का मौका मिले। मैं इतना ही कह के पुनः एक बार आप तमाम धर्म प्रेमी लोगों को, लखन भैया को, सरिता भाभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने निजी खर्च से अगर किसी काम को करने का खुला उठाया है तो ये निश्चित रूप से सराहना का विषय है। मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद।